नमस्ते मानिया जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल गुड, आप बताइए आप कैसी हैं? बहुत फर्स्ट क्लास, थैंक यू। अच्छा, हमने सुना है कि जो शब्द होते हैं वो शब्दों का कुछ ना कुछ मतलब तो ऑफ कोर्स होता ही है, पर उन सबका हमारे जीवन में किसी ना किसी जीवन के भाग के ऊपर असर भी रहता है। किसी ना किसी तरीके से वो हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं, शब्द जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे पहले के टाइम पे बताया जाता था कि जो आपके वर्ड्स हैं वो मंत्रास ही हैं। सबसे पहले जो थॉट है वो आपके माइंड में आता है, जब वो माइंड में आया तो इसका मतलब आपकी यूनिवर्स के साथ वो कनेक्टिविटी हो गई। अब जब आपने वो माइंड में आ गया, वो थॉट आ गया, अब वो आपका जो है प्रोसेस होकर वर्ड के थ्रू बाहर निकल रहा है। इट मीन्स कि यूनिवर्स को इसका डबल इम्पैक्ट पड़ गया कि यस यू वॉन्ट दैट हैज टू बी डन, ये चीज़ होनी चाहिए। इसलिए शब्दों का जो है, कहते हैं ना जैसे कि हम जो भी बोले बहुत सब सोच समझ के बोले, वो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं उसका एक मीनिंग होता है और यूनिवर्स उसको कैच कर रहा है। बिकॉज द थिंग इज, यूनिवर्स इज मेड टू गिव यू व्हाट यू वांट। तो इसलिए हम जो भी मांगते हैं या जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो यूनिवर्स उसको रेगुलरली सुन रहा है। हमारी कनेक्टिविटी हमारी सीधा यूनिवर्स के साथ है और यूनिवर्स रेगुलरली वो हमारे वर्ड्स को, हमारी थॉट पैटर्न को समझ रहा है, सुन रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है और वही चीज़ हमें दे के वापस दे रहा है। तो इसलिए शब्दों का डेफिनेटली बहुत ही, जो उच्चारण होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो मंत्रास में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने कहा जैसे कि ये शब्द, हर शब्द अपने आप में एक मंत्र है, अगर हम इसकी बात करें तो उनका उच्चारण भी सही होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में बैठे लोगों की अगर आप बात करेंगे तो वो ऋषि बोलते हैं जी, अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे वो ऋषि बोलते हैं। सो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड देन इनका अपने आप में ही क्या महत्व है फिर? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला कि थॉट जो है दैट इज द मेन थिंग। आपके बोलने के पीछे आपकी इंटेंट क्या है, दैट मैटर्स। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तब आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते थे वो सिर्फ और सिर्फ बोलकर बोलते थे। अगर किसी को श्राप भी देना होता था वो सीधा बोलते थे और वो चीज़ हो जाती थी। तो किसी को कह दिया कि हाँ भी तुम पत्थर की मूर्त बन जाओ तो वो पत्थर की मूर्त बन जाती थी। वो सिर्फ वर्ड्स ही तो थे और उनका इंटेंट था, क्योंकि उनकी इंटेंट जो उनका इंटेंट था वो प्योर होता था और उनके अंदर वो एक एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग होता था। इस वजह से वो जो है उसको कन्वर्ट इजीली कर पाते थे, और करते किससे थे, वो शब्दों से ही थे। तो इसलिए शब्दों का और आपकी इंटेंट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इंटेंट है, आपके इंटेंशंस वो जो है बहुत स्ट्रांग है, आप उस चीज़ को सच में शिद्दत से चाहते हो, तो डेफिनेटली वो वर्ड्स के अंदर आके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और साथ में उस चीज़ को डेफिनेटली गेट कर सकते हो। ओके, तो ये जो शब्द हैं इनका भी, क्योंकि मैंने स्विच वर्ड्स हैं जैसे उनके बारे में सुना है, तो वो क्या है एग्जैक्टली देन और वो किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, जो स्विच वर्ड्स हैं वो अगेन दीज आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स ही हैं। स्विच वर्ड्स इसको इसलिए कहा जाता है कि हम अपने माइंड को, कई बार क्या होता है हम किसी अच्छे मूड में बैठे हैं, कई बार हम बुरे मूड में बैठे हैं। अब जैसे हम अगर अपने, मैं एक एज ए माइंड कोच भी हूँ, तो हम जैसे एज ए माइंड कोच ऑल्सो हम ये कहते हैं कि अगर आप बुरे मूड में हैं तो आप वो चीज़ याद करें जो आपके साथ अच्छी हुई थी, या किसी कोई ऐसे हॉलीडे को याद करें कि जहाँ आपने बहुत इंजॉय किया हो, या फिर आपने जो है यू नो जहाँ पे जाके आपको बहुत खुशी मिली हो, आपको हैप्पीनेस मिली हो। तो इस तरीके के जब हम वर्ड्स उनको बोलते हैं या जब हम उन्हें उनको उस चीज़ से स्विच करा रहे हैं, सैड से उनको वापस स्विच करा रहे हैं हैप्पीनेस की तरह, तो वो इसी तरीके से जो स्विच वर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे इंटेंट को और ज़्यादा बढ़ा के हमारे उस टारगेट को पूरा करने में हमें हेल्प करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक स्विच वर्ड है जैसे अब कोई चीज़ गुम हो गई है, तो अगर मैं उस चीज़ को पहुंचना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या कहूँगी, या तो मैं यही कहूँगी अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँगी, हे भगवान मुझे ये चीज़ मिल जाए, राइट? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, भगवान तो चलो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना, ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये मिल जाए या चीज़ मिल जाए, सिर्फ जो मिल जाए वर्ड है,
मीन्स कि मैं उस तक पहुंच जाऊं, तो उसमें जो मेन वर्ड है वो है रीच. तो अगर मैं उसको उस जो भी चीज मेरी गुम हुई है, जैसे मैंने मेरी ज्वेलरी गुम हुई है, तो मैं उसको वहां तक पहुंचना चाहती हूँ, तो मैं उस रीच को जो है कंटिन्यूअसली एज ए मंत्रा उसको कंटिन्यूअसली उसको बोलती जाऊंगी, रिकॉल करती जाऊंगी, एंड फिर उससे क्या होगा, मैं उस चीज तक पहुंच ही जाऊंगी. जैसे कहते हैं ना, हम कोई चीज को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं. बट एक बात आप मुझे बताओ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हर इंसान की कभी ना कभी कोई ना कोई चीज गुम ही जाती है, यू नो इट. कभी इवन ऐसा भी होता है, गुम क्या जाना, हमने अपने घर की कोई चाबी है या कार की चाबी है कहीं ऐसी जगह पे प्लेस कर दी, घर में ही है, बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल कि वो कहाँ पे हमने रखी है. तो ऐसे केसेस के अंदर आप कह रहे हो कि अगर हम बिल्कुल शिद्दत के साथ में अगर उसको चाहेंगे तो मिल जाएगा. बिल्कुल मिल जाएगा. अगर आप उसको कहते हो रीच की, रीच की, रीच की, ये वर्ड्स आप यूज करेंगे और आप कंटिन्यूअसली जब यूज कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंट और फोकस जो है, आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा उस की के ऊपर होना चाहिए कि आपको वो चाबी मिल जाए, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगी. बट वो घर में है, ठीक है, तो वो तो मिल जाएगी. बट अगर घर के बाहर खो गया, फिर मैं आपको बताती हूँ. अभी बहुत ही रिसेंटली एक ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे रात को 10 बजे कॉल किया कि माने मैम, मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैंने ना पॉकेट में 50,000 रुपीज़ रखे हुए थे और वो मुझे मिल नहीं पा रही, तो अब मुझे आप बताओ कि मैं कैसे उस तक पहुँचूँ. तो मैंने उनको जो है ये रीच का जो है स्विचवर्ड दिया था, और साथ में मैंने उनको एक नंबर दिया था कि इस नंबर पे आप मुझे लिख के भेजिए कि हाँ भाई, आप मुझे एक नंबर लिख के भेजिए, फिर मैं उसमें चेक करती हूँ कि आपने कहाँ खोया है. मैंने उनको बताया कि आप रात को 10 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं, तो क्या आप इससे पहले 1.5 घंटे पहले आप कहीं किसी पानी वाली जगह या फिर कोई ऐसी जगह पर थे जहाँ पर मतलब कोई लिकर वाली जगह पर थे. एंड ही सेड यस. पानी आपने क्यों यूज किया वैसे? हाँ, मैंने पानी इसलिए यूज किया क्योंकि रात के 10 बजे से. हाँ, मैंने वो नंबर से चेक किया था, एंड वो चेक करने में मुझे पता चला कि वो किसी ना किसी उन्होंने जो मतलब जहाँ पे उन्होंने अपने पैसे लॉस्ट किए हैं वो पानी वाली जगह पे लॉस्ट किए, जहाँ पर कहीं पे पानी है. अब मैं पानी को रिलेट कर सकती थी कि किस चीज से, अगर रात को कोई इंसान आ रहा है एंड ही इज एन अल्कोहलिक ऑल्सो, तो वो डेफिनेटली या तो जो है किसी ना किसी लिकर शॉप पे जाएगा. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लिकर शॉप पर गए थे? ही सेड यस, मैं गया था. मैंने कहा तब तक आपके पास पैसे थे? ही सेड यस, मेरे पास जेब में 50,000 रुपये उस समय थे. तो उनको अचानक ही क्लिक हुआ कि ओ शिट, मैंने तो वहीं कहीं गिरे हैं पैसे. एंड ही यू नो आस्क दैट पर्सन, फोन किया लिकर शॉप पे और वो पैसे उनको उनको वहाँ पे मिल गए. तो इट हैपेंस. तो वर्ड्स और स्विच वर्ड्स इस तरीके से बहुत काम करते हैं. वो तब तक मैंने उनको कहा बस सिर्फ ये वर्ड जो है आप रीच काउंट इसको जो है आप लगातार बोलते जाओ. और तो रीच काउंट बेसिकली स्विच वर्ड है फॉर फाइंडिंग मनी. फाइंडिंग मनी, यस. ओके, तो उन्होंने ये स्विच वर्ड बोला और डेफिनेटली ही रीच टिल दैट मनी. तो वो तो मुझे नहीं पता कि उसको पैसे मिलते या ना मिलते, बट वो आपका फैन जरूर हो गया कि ऑब्वियसली लाइक यू नो समबडी लॉस्ट सम मनी एंड देन वेयर ही लॉस्ट, और वो मिल जाती है उसको भी लिकर शॉप से. एग्जैक्टली, लिकर शॉप बिकॉज़ ही वेंट ओवर देयर ना. सी एक्चुअली गए तो वो वहीं है. इट हेल्प्स ओनली, ये आपको जो स्विच वर्ड है वो आपको वहां तक पहुंचाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है, क्योंकि वो मनी आप ही के पास थी. अब क्या है ना, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस माइंड में जो हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है वो सब चीजें हमारे सामने हो रही है. सबकॉन्शियस माइंड तो पीछे काम कर रहा है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है ना कि मैंने ये पैसे कहाँ छोड़े हैं. तो इसलिए वो जो स्विच वर्ड है आपको हेल्प करता है उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने में, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है वो बताने में कि आपने यहाँ कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वहां जाके उसको सॉर्ट करो. ये तो मैं मान गया कि पैसे मिलने के लिए रीच काउंट उसने बोला दैट जेंटलमैन, एंड देन ही मतलब ही रीच टू दैट प्लेस एट लीस्ट वेयर ही लॉस्ट द मनी. बट लिकर शॉप से पैसे मिल जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. यस, बिल्कुल एग्जैक्टली. लिकर शॉप से पैसे मिल जाना कहीं, क्योंकि आजकल तो लोग हाथ आई हुई चीज देते नहीं है, बट चलो दैट मैन वॉज गुड. देखिये, जब तक वो वर्ड तब तक काम नहीं करेगा आपके लिए जब तक आपकी वो इंटेंशन, आपकी जो विल पावर है, आपके जो
जितनी डिजायर है उस चीज को पाने के लिए वो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेंशन भी आपकी प्योर होनी चाहिए। इसमें सिर्फ इंटेंशन ही नहीं काम करेगी, आपकी पॉजिटिविटी भी काम करेगी। हम कहते हैं कि हाँ, कई लोग आते हैं जैसे कहते हैं कि हम मंत्रास करते हैं या हम स्विच वर्ड करते हैं, हमारे रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप अपने आप को पॉजिटिव कर ही नहीं रहे हो। जब आप स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हो या मंत्रास यूज कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप यूज कर रहे हो, कोई भी, मैं कहती हूँ कोई भी एनर्जी लेने के लिए, यू नीड दैट पॉजिटिविटी इनसाइड यू। आपको एटलीस्ट कम से कम उसको यूज करने से पहले 30 मिनट्स पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। अपने ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ऑरा क्लीन? ऑरा क्लीन होती है कि 30 मिनट की प्रिपरेशन? देखिए, पॉजिटिव होना तो इट्स लाइक यू नो चुटकी का काम। व्हाई? बिकॉज़ द थिंग इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप सैड हैं, आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से पॉजिटिव होना बहुत ही ईजी है। आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, आप जल्दी से जल्दी पॉजिटिव हो जाएंगे। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना आप पॉजिटिव होते जाएंगे। बट बहुत सारे लोग हैं, देखो आज की डेट में हम दुनिया में बात करें ना, नेगेटिविटी परवेज यू नो, लेकिन इट इज़ एवरीवेयर। हम किसी एक पर्सन की लाइफ उठाकर देख लें तो वो किसी ना किसी वजह से या तो दुखी है या तो वो किसी और के सुखों की वजह से बहुत दुखी है, वट एवर द रीजन मे बी, बट दुखी है। तो नेगेटिविटी हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत या मिलती ही मिलती है। तो ऐसे केसेस के अंदर अपनी इंटेंशन को प्योर करना, अपनी यू नो पॉजिटिविटी लेकर आना अपने अंदर, एंड देन पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर स्विच वर्ड को चैंट करना लाइक अ मंत्रा, एंड देन यू फाइंड दैट थिंग। ये इट सीम्स लाइक अ वेरी इजी प्रोसेस, बट आई एम श्योर इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी वन। सो कैसे, बेसिकली कैसे एक इंसान अपने आप को तैयार करे? पहले तो चैंटिंग तो कम्स आई थिंक द नेक्स्ट फेज। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ कनेक्ट होना। मोस्टली लोगों को हम ये रेमेडी भी देते हैं, जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं या उनके माइंड में इतना यू नो एक कहते हैं ना कोई एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन रहती है, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, तो हम स्पेशली लोगों को ये रेमेडी देते हैं कि आप जो है शाम के टाइम पे या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आप जो है नंगे पैर जो है आप घास पे चलना शुरू करिए। नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। उससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। देखिए, क्योंकि द थिंग इज ग्रीन कलर है, नेचर का कलर है, वो आपको क्या देगी? एग्जैक्टली, यू आर ऑल्सो वेयरिंग ग्रीन, तो वो क्या देगा आपको? पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जान है डेफिनेटली। ठीक है, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं आप वो देखना शुरू करिए। इसके अलावा आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहें, मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन इज वेरी गुड। आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना पॉजिटिव होते जाएंगे, उतना आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, लोगों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा यू नो पॉजिटिव होने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा आप पानी पीना शुरू करें। जितना आप ड्रिंक करेंगे, पानी पियेंगे, उतना जो है आपके लिए बेटर रहेगा, आपका ऑरा क्लीन होता जाएगा। एज वेल एज ग्रैटिट्यूड, बींग थैंकफुल टू गॉड। कोई नेगेटिव पर्सन आपके सामने आ भी गया है तो उसको माफ करना शुरू करें और माफी मांगना शुरू करें। ओके, सबसे पहले, क्योंकि जो कनेक्टिविटी बनती है वो सोल टू सोल बनती है, बॉडी से नहीं बनती है। तो ये नेगेटिव इंसान अगर मेरे सामने अननोन नेगेटिव इंसान आ जाए और मेरा अगर ऑरा मतलब क्योंकि मैंने बहुत शायद पानी पिया है, शायद मैं बहुत ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स एक्सप्रेस करता हूँ, आई एम डूइंग व्हाटएवर यू हैव जस्ट सेड, मेडिटेशन करता हूँ, तो क्या मैं पहचान पाऊंगा सामने वाले की नेगेटिविटी को? बिल्कुल पहचान पाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा ही आपको बता देगा कि जब कोई नेगेटिव पर्सन आपके सामने आता है तो आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। आप उसका ऑरा आपके ऑरा के साथ मैच ही नहीं करता ना, ना उसके वर्ड्स आपके साथ मैच करेंगे। आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पे चल रहे हैं, वो बंदा किसी और फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, आप दोनों मैच ही नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो एक डिस्कम्फर्टनेस आपको रहेगी। तो वो जो जब आपको डिस्कम्फर्टनेस रहेगी वो आपको खुद ही बता देगा कि ये बंदा बहुत नेगेटिव है। किसी के फेस से भी क्या आप बता सकते हो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव इंसान है? देखिए, जब फेस की अगर बात आती है ना, तो फेस का हम ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर कौन से प्लैनेट का इफेक्ट है। अच्छा, ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये नेगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि माइंड से नेगेटिविटी आएगी जब तक वो बंदा बोलेगा नहीं। हाँ, ऑफकोर्स ये बता सकते हैं कि प्लैनेट की वजह से इसके ऊपर कौन सा प्लैनेट इफेक्ट डाल रहा है, उससे
अगर अच्छा प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव आपको दिखेगा ही, उसके ऑरा में आपको पता चल जाएगा, फेस से ही देख के पता चलेगा कि हाँ भाई ओके आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन, राइट। अदरवाइज ऑफकोर्स अगर आप जो है सोचें कि कोई एकदम ऐसा इंसान आ गया है, जैसे हम बात करते हैं कि जो लोग इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर इतने टाइम से तप करते हैं, उनका अपने आप ही एक एनर्जी अंदर से निकलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एंड एवरी सिंगल पर्सन वॉन्ट्स टू गो देयर टॉक टू देम। वाई? बिकॉज द थिंग इज दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी दे आर गिविंग। ऐसा थोड़ा कि उनकी बॉडी, जबकि वो तो कितने कितने टाइम तक तप कर रहे हैं, दे आर लाइक यू नो फुल ऑफ हेयर, दे डू नॉट हैव यू नो दोज काइंड ऑफ क्लॉथ्स जो उनको जो है कोई अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्शन अट्रैक्टिव बनाए, बट स्टिल द पॉजिटिव ऑरा दे आर कैरिंग राइट नाउ, वो पॉजिटिव ऑरा उनको जो है लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और लोग उनके पास आके उनसे बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके ऊपर मैं आऊंगा, पर पहले आप मुझे बताओ मेरे फेस पे देख करके कौन सा प्लैनेट आपको लगता है एक्टिव है। तो यस ऑफ कोर्स, आपके आपके जो मैं देख सकती हूँ आपके लिए जो अट्रैक्टिव एज वेल एज एक्टिव प्लैनेट है, दैट इज बुध का प्लैनेट। ओके, तभी आप अपने यू नो माइंड से जो आप माइंड में सोचते हैं उनको शब्दों में उतार सकते हैं, विच इज योर कम्युनिकेशन। सो आई फील आपका जो प्लैनेट बुध का प्लैनेट है वो आपका काफी स्ट्रांग है और आपके लिए अच्छे से एक्टिवली काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। बट हाँ, मेरी बुध की दशा अंतर दशा सो टू से एज पर एस्ट्रोलॉजिस्ट शुरू होने वाली है। दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोई भी यू नो सिद्ध पुरुष हैं जो कि महापुरुष हैं, हमारे सामने गुरुजी की फोटो है यहाँ पे, आई थिंक अगर फ्रेम में अगर आ रही हो तो इनकेस, तो इनके ऊपर भी क्या किसी पर्टिकुलर प्लैनेट का असर हुआ करता था, या ये एज अ होल लाइक यू नो मतलब ही वाज बियॉन्ड प्लैनेट्स और बियॉन्ड दिस लाइक यू नो यूनिवर्स, सो टू से ही और मे बी एनी सिद्ध पुरुष फॉर दैट मैटर। एग्जैक्टली, देखिए वही मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम बात करें गुरुजी की तो ही इज तो महाशिव भी, हर एक की अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं या फिर अपने अपने यू नो एक बिलीफ सिस्टम होता है, तो मेरा बिलीफ उनके अंदर है ही इज महाशिव और उनके मिराकल्स मैंने बहुत देखे हैं, तो मैं उनको किसी भी यू नो ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग, तो मैं मतलब उनको किसी चीज़ में काउंट ही नहीं कर सकती कि ये मतलब सिर्फ ऑरा है, ही इज that energy which has shown us you know too much magic, like har mode pe hame inhone magic dikhaya, to definitely and I want to know about those magics for sure. magics are like you know bahut positive magics rahe hain jab bhi, in fact mera aaj main agar yahan baithi hu to wo bhi ek unhi ki den hai, main ek time tha jab main ye sab cheezon ko band kar chuki thi because I was focusing on my family and everything, and at the time of COVID second wave chal raha tha and my husband he went into the COVID aur unki tabiyat bahut kharab hui, jabki abhi 14 days pure ho chuke the, he came out of it, fir uske baad abhi hum hospital se wapas nahi aaye the, unki oxygen normal nahi ho rahi thi and he got a heart stroke. Oh. And we were like ki सब कुछ ठीक था, हो क्या गया? एट दैट टाइम जबकि वी एक्चुअली शिफ्टेड फ्रॉम दुबई टू द हाउस एंड मैंने कभी ग्रिड नहीं कराया था क्योंकि वास्तु तो मुझे पहले से ही आता था, लेकिन बिकॉज एक तो कोविड का भी टाइम था एंड आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन माय फैमिली, मैंने सब छोड़ दिया हुआ था, तो मैंने कहा जो होगा सो होगा, ठीक है। माई सिस्टर गॉट यू नो शी वो रात को सोई है तो उसको ड्रीम में गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने कहा कि मेरी फ़ोटो उन्हें कह कि एस वाली दीवार पे ला दे, और वो जो दीवार थी जब मैंने बाद में चेक किया उस दीवार की जो एंट्री मतलब लाइक वो वाला जो टॉयलेट था जिस दीवार पे उन्होंने मुझे लगाने के लिए कहा था उसके पीछे टॉयलेट था, और वो जो टॉयलेट था वो हेल्थ जोन में पड़ रहा था जिसको हम वास्तु में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अच्छा, तो उस जोन में वो वाला टॉयलेट पड़ रहा था एंड एट दैट टाइम I came to know that he wants me to do this. उस टाइम मुझे पता चला कि सीरियसली गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, एंड सबसे पहले मैंने जब उन्होंने ये मुझे बोला कि ये कर, तो फिर मैंने घर का ग्रेड किया, उस टॉयलेट को हटाया एंड द मिरेकल स्टार्टेड।
तो अब कहीं पे भी जाना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो मैं पहले गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प करो, एंड ही हेल्प्स मी, ऑफ कोर्स ही हेल्प्स मी बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी. कई लोग शिव शंकर को पूछते हैं, उनमें पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, कई लोग किसी और गुरु को पूछते हैं, विष्णु को पूछते हैं. सो फॉर मी ही इज एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश. तो ये वो है मेरे लिए, वही है और मैं उनको इन्हीं में देखती हूँ. तो मेरे मुझे इन्होंने बहुत मिराक्युलस थिंग्स ही है शोन मी. एंड जब भी मैं किसी का काम भी करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स का भी काम करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, एंड ही हेल्प्स मी. Indeed, and that is why maybe you know you are rising each passing day with each passing day. So, अच्छा मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा मैं टॉपिक से डाइग्रेस करूँगा. हम लोग क्योंकि वर्ड्स एंड स्विच वर्ड्स एंड लाइक यू नो मंत्रास के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बट थोड़ा सा वास्तु क्योंकि आपने डिस्कस किया इसलिए मैं लेकर रहूँगा इसके अंदर. गुरु जी की जैसे आपने कहा कि उनको सपने में आया और पर्टिकुलर दीवार पे उन्होंने फोटो लगाने के लिए बोला, तो क्योंकि पीछे टॉयलेट था एंड मे बी एंड दैट वाज इन द हेल्थ जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड वहां से प्रॉब्लम्स आ रहे थे. अगर वहां पर अगर टॉयलेट रहता 1% के लिए और मे बी यू आर नॉट यूजिंग दैट टॉयलेट पर से एंड आपने बाहर अगर गुरु जी की फोटो लगा दी, या बहुत सारे लोग जिन भी देव को मानते हैं या किसी अपने किसी संत को मानते हैं उनकी फोटो लगा दी, पहला तो क्या लगाना सही है टॉयलेट की दीवार पे? नहीं बिल्कुल भी नहीं. ये टॉयलेट की दीवार पर किसी भी भगवान की फोटो होना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज द थिंग इज दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी. दैट्स व्हाई आई सेड कि मैंने वो जो है फोटो लगाई और मैंने ग्रिड कराया और मैंने वहां से टॉयलेट रिमूव किया. राइट. उन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता दिखाना था टू रिमूव दैट टॉयलेट. Got it. बट मैंने वहां फोटो लगा के अब वहां पर अब दैट हाउस वी स्टिल हैव दैट हाउस, बट द थिंग इज हमने वो फोटो वहां नहीं लगाई, उसके साथ वाली दीवार पर लगाई है जो बिल्कुल भी टॉयलेट की किसी भी दीवार के साथ कनेक्टिविटी नहीं है. Got it. तो वहां लगाई हुई है. बट सबसे बड़ी बात थी उनका मुझे रास्ता दिखाना टू चेक दैट टॉयलेट फर्स्ट. तो दैट वॉज द थिंग. एंड वास्तु ऑफकोर्स वास्तु हेल्प्ड मी बिकॉज द थिंग इज वास्तु अपने आप में ही यू नो बहुत पावरफुल है. अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ, एक सत्संग है जिसमें कहते हैं कि लालच विच ना पड़ियो, तो उसके अंदर भी गुरुजी ने यही समझाया है, यही बोला है कि एक जैसे जो है उसमें एक स्टोरी है कि एक पर्सन होता है वो बहुत परेशान होता है अपने घर से, अपने उसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते हैं. तो गुरुजी उसको कहते हैं कि ऐसा है मैं ना तेरे को 4 कैंडल्स दे रहा हूँ, ये 4 कैंडल्स लेके जा और जब भी तेरे को ज़रूरत लगे ना, कुछ तेरे पास पैसे की कमी हो कुछ भी हो, तो तू ये जाके ना एक काम करियो, पहली कैंडल ना जाके ना उत्तर दिशा में डाल दियो. जब तू उत्तर दिशा में ये कैंडल लगाएगा वहीं खो दियो तो देखियो क्या मिलता है. तो उसको लगा कि चलो ये तो मेरे को तो वरदान मिल गया, मैं जाके ये करके आता हूँ. ऑफकोर्स ही बात है हर एक इंसान को ऐसे एज ए लेमैन हमें यही लगेगा ना कि क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है, चलो देखते रहे क्या मिलता है. वो गया, पहले वो उत्तर में गया, उत्तर में जाके उसने जो है खोदा तो उसको वहाँ से बहुत सारे क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें मिलने लग गई कि हाँ तू इसको जाके बेच, उसका बिजनेस अच्छा चलने लग गया. तो हम जब अपने नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. अब देखिए उन्होंने जो बोला और यहाँ वास्तु कितना कोरिलेट कर रहा है. हम जब अपने नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ ही दे रहा है. तो वहां से उसका खोदना और चीजों को निकालना जो उसने सेल करके अपने बिजनेस को बढ़ाया, तो वहां उसको अपॉर्चुनिटी मिली. यहाँ हम नॉर्थ में जब बात करते हैं तो नॉर्थ मतलब उत्तर डायरेक्शन, वहां हमें अपॉर्चुनिटीज, वो हमें डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज ही देता है. सेकंड डायरेक्शन जो गुरुजी ने बोली थी वो बोली थी पूर्व डायरेक्शन की कि यहाँ पर खोदियो. उसने वहां खोदा, उसको वहां से जो है ढेर सारा आपके जो कनेक्टिविटीज होती हैं वो मिली. उसको क्या कहते हैं बहुत सारा सोना मिला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, ज्वेलरी मिली, तो वो भी इसको पॉजिटिव हो गया. यहाँ पर हमारे ईस्ट डायरेक्शन में हमें सोशल कनेक्टिविटीज़ मिलती हैं, हमें गवर्नमेंट से चीज़ें मिलती हैं, उसको प्रॉपर्टी पेपर्स मिले, यहाँ से हमें जो है गवर्नमेंट से काफ़ी सारा जो है कनेक्टिविटी मिलती है ईस्ट डायरेक्शन से. फिर उसको कहा गया था पश्चिम दिशा खो दियो, उसने पश्चिम खो दी जो कि वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ से उसको गोल्ड सिल्वर बहुत सारे अलग अलग तरीके के औजार मिले. अब वहाँ से उसको मनी भी मिली. हमारे वेस्ट डायरेक्शन में गेन्स की डायरेक्शन होती है. उसको कहा था कि साउथ में यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में गलती से भी मत खो दियो,
अच्छा अब उसने, मैं पहले बता देती हूँ यहाँ हमारे वास्तु में जो साउथ डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। हमारे जो साउथ डायरेक्शन होती है उसको हम यम का डायरेक्शन कहते हैं। अब जो कमिंग बैक टू द स्टोरी करके ही हम सोच रहे हो तो मतलब डेथ। कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसने साउथ में उसने कहा कि यहाँ गुरुजी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने लिए रखा है। अब उसने क्या किया, उसको डिग कर दिया। अब जैसे ही डिग किया वो बंदा उसके अंदर चला गया। वहां गया, अंधेरा था, अंधेरा था, वहां कोई और ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ था। और उसने कहा कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या, कौन सी जगह है? वो कहता है ये पाताल है और मैं वेट कर रहा था कि तू आए और मैं बाहर जाऊं। तो गुरुजी ने इसको जोड़ा था लालच बीच ना पड़ी हो, कि लालची नहीं बनना है, काम करो, चीजें भी आपको मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन लालच में मत पड़ना। लेकिन उन्होंने देखो कितने ब्यूटीफुली सारी डायरेक्शंस को भी जो है बता दिया। तो मैं जब भी ये सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे यही, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं जिस ट्रैक पे हूँ दैट इज अ राइट ट्रैक एंड आई एम रियली डूइंग वेल इन दिस। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी का हाथ हमेशा मेरे साथ है। ये राइट ट्रैक पे कोई है या नहीं है ये तो इसको जानने के लिए मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, बट इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कोई डायरेक्शन का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर था क्या, कि पहले नॉर्थ है फिर ईस्ट है देन वेस्ट है? देखिए या क्योंकि हमारी लाइफ में भी क्या, बेसिकली मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या ये जो डायरेक्शंस हैं एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर हमारी लाइफ के अंदर का इम्पोर्टेंस रखती हैं? बेसिकली सर्टेन ऑर्डर में तो नहीं, बट हाँ इन ये सारी ही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज, जैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली अवर माइंड और ये कुबेर की डायरेक्शन है। ओह, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पहले अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो तुम लेकर करोगे भी क्या? एग्जैक्टली और यहीं से आपके सारे थॉट्स यहीं से शुरू होने। जैसे अभी हम स्विच बोर्ड में भी बात कर रहे थे, पहले आपके माइंड में आता है कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो उसी तरीके से इसमें भी आपके माइंड के ऊपर ही जो है आप पहले काम करते हो, आपका थॉट यहाँ से आता है, फिर उसको एक्शन में चेंज किया जाता है एंड देन वो इंटेंट दे के आपका वो कम्प्लीट होता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड आती है आपकी, अब आपने कुछ सोचा कि मैं ये करूँगा और वो चीज़ आपने सोच ली है, अब उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको बाहर से सपोर्ट भी चाहिए, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, तो इसलिए आपकी ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग, अंडरस्टूड। सो पहले आपका माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, देन यू कम टू द ईस्ट वेयर यू नो यू गेट द सपोर्ट एंड देन जब आपको सपोर्ट भी है क्लैरिटी भी है देन यू बट अदरवाइज फेम के लिए यम इज अगेन, यम का जो मतलब लेट मी रिकॉल इट अगेन, साउथ डायरेक्शन जो है यम के साथ साथ हम जो कहते हैं हनुमान जी की डायरेक्शन भी कहते हैं। अब आप देखो वो हमें क्या देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं, फेम देते हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे बिजनेस की बात करें तो। अब जब हम साउथ डायरेक्शन को बैलेंस करके रखते हैं, यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो है आपको अच्छी चीज़ें देता है, राइट? और आपका फेम भी बढ़ता है। इनफैक्ट इसीलिए मैं कभी कितने बार अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अगर साउथ डायरेक्शन में आपका बैल्कनी है या फिर यू नो टेरेस है तो आप जो है हनुमान जी का एक झंडा वहां जरूर लगाएं। अच्छा। तो ये भी मैं बहुत जरूर बोलती हूँ कि आप ये जरूर करें क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, आपको फेम भी देता है, आपके काम बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये सब चीजें डेफिनेटली साउथ, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, यहाँ का एंट्री जो है, हम कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो साउथ में अच्छे नहीं होते हैं, एनर्जी यहाँ पर जाके यहाँ से एनर्जी का फ्लो नहीं होना चाहिए, यहाँ एनर्जी रुकनी चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप हो गई है, इसका फ्लो सारा का सारा नॉर्थ से बन के साउथ की तरफ आए वो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ से अगर एनर्जी आ रही है तो वो गलत एनर्जी आ रही है। बिकॉज द थिंग इज वो गेट, जैसे हमने बात करी कि वो यम का द्वार है, तो वहाँ से अगर एनर्जी आएगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं आएगी ना, वो तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो इसलिए भी से कि हाँ भी नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो एनर्जी चल रही है दैट इज बेस्ट, दैट इज गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। क्या मंत्र और स्विच वर्ड्स को हम मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? मेरे मन में मान के चलिए कोई पर्टिकुलर मंत्रा मुझे मिला बात करने के लिए कि आप हर वक्त चैंट करते रहिए मेरे गुरु से या किसी से,
उसी तरीके से क्या हम स्विच वर्ड्स को भी एग्जैक्टली इन द सेम वे हम लोग यूज करते हैं? नहीं, देखिए अगर मैं आपके क्वेश्चन को समझूं तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मंत्रा और स्विच वर्ड जो है क्या वो सेम, उनका सेम प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है, क्या वो सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं? क्योंकि स्विच वर्ड्स के बारे में जब हम पहले बात कर रहे थे तो रीच काउंटिंग जब हम बोल रहे थे एक पर्टिकुलर जो हमने रुपए खो दिए थे उन तक पहुंचने के लिए, तो somehow it was like you know like a mantra only. So इसको चैंट करने का तरीका और किसी भी मंत्र को चैंट करने का तरीका अंदर क्या सेम रहता है? तो देखिए मंत्र जो है, पहले इससे पहले समझने की बात है कि मंत्रास है क्या. मंत्रास एक्चुअली दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स टुगेदर, कमिंग टुगेदर एंड गिविंग अ इंटेंट, और उस चीज से आपका काम बन रहा है. लेकिन ये जो मंत्रास हैं इनको एक स्पेसिफिक वे में आप जो है चैंट करते हैं. इट इज नॉट कि हाँ भी आप जो है मतलब क्या कहते हैं जो मंत्रास हैं वो आपको बैठ के जो है चैंट करना है. आप ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते मंत्रास चैंट कर रहे हो. और देन देर इज स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज्ड. आप किसी मंत्र के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि ह्रीम है, अब ह्रीम की जगह आप क्रीम तो नहीं यूज कर सकते ऑफ कोर्स. तो ह्रीम इज अ वर्ड, जैसे जो है जो वर्ड है जो मंत्रा है दैट इज अ मंत्रा फॉर योर दुर्गा माता के लिए. अच्छा. तो जब आप ह्रीम बोलते हो तो इट इज कनेक्टेड विद द दुर्गा माता. लेकिन अब अगर आप इसके वर्ड ह की जगह आप कोई और वर्ड यूज कर दोगे तो वो तो उसका मीनिंग ही खत्म हो गया ना, तो वो यूनिवर्स में वो मीनिंग ही नहीं पहुंच रहा है. तो इसलिए डेफिनेटली मंत्रास को जब आप यूज करते हो तो एक स्पेसिफिक वे में उसको यूज करते हो. फिर ये भी कहा जाता है कि मंत्रास जब आप यूज कर रहे हो तो रात के 10 बजे के बाद आपको नहीं करने चाहिए. देर आर स्पेसिफिक मंत्रास, दोज कैन बी यूज आफ्टर 10-10:30. बट मोस्टली जो मंत्रास आप यूज करो वो आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में या फिर जो है टिल इवनिंग यू यूज इट. देर आर स्पेसिफिक मंत्रास अगेन, दोज कैन बी यूज ओनली आफ्टर 10:30. अच्छा, नॉट बिफोर. इसके ऊपर हम लोग जंप करें, पहले तो यही बात इंटरेस्टिंग चीज है कि 10-10:30 का टाइम क्या इसलिए दिए, मतलब यहाँ पे यूज किया जा रहा है बिकॉज यू नो हम लोग सबके सब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लाइक यू नो एवरीवन हैज लाइक यू नो अ मैरिड लाइफ एज वेल. सो इसलिए यहाँ पर ये मतलब एक बार लगाया जा रहा है 10-10:30 का यहाँ पे. मैं बताती हूँ आपको, यहाँ एक बार इसलिए लगाया जा रहा है. समटाइम्स क्या होता है, कुछ मंत्रास ऐसे भी होते हैं जो हमें 10:30 के बाद यूज करते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं. बिकॉज द थिंग इज जो एनर्जी है 10 बजे के बाद की एनर्जी, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है जैसे आपने बोला कि हाँ भी फैमिलीज हैं, सब हैं, सारे रेस्ट मोड पे चले गए, एनर्जीज कम फ्लोट कर रही हैं यूनिवर्स में. इनफैक्ट आपके आसपास भी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे एनर्जीज कम फ्लोट कर रही हैं. माइंड मोस्टली जो है ज़्यादातर रेस्ट मोड पे जा चुके हैं. तो अब आप जब आप यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, राइट. तो आपकी कनेक्टिविटी जल्दी पहुँचेगी. इट इज़ जस्ट लाइक कि हाँ भी अगर आप ट्रैफिक से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो आप 2 घंटे लेट पहुँचेंगे, और अगर कम ट्रैफिक है आपको खाली रोड मिल जाएगी तो आप जल्दी पहुँचेंगे. तो दिस इज कॉल्ड दैट ओनली कि हाँ भी आप जब थोड़ा इसके लास्ट में मंत्रास करते हो, 10-10:30 के बाद जब आप मंत्रास करते हो तो वो एक तो आप सारे कामों से फ्री हो चुके हो, या फिर आप जो है आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और साथ में आपकी कनेक्टिविटी उस टाइम पे ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप रिलैक्स मोड पे होते हो. बट आपने बोला कोई सर्टेन और स्पेसिफिक मंत्रास, वेरी स्पेसिफिक मंत्रास ओनली व्हिच कैन बी चैंटेड ड्यूरिंग दैट. कुछ बताना चाहेंगे? देखिए वो वाले मंत्रास वो होते हैं जो ज्यादातर सिद्धि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उस टाइप पे यूज करते हैं. तो हम जैसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग नॉर्मल मंत्रास यूज करते हैं, लेकिन वो जो सिद्ध सिद्धि जिन्होंने की होती है वो लोग इसको 10:30 के बाद ही यूज करते हैं. अब कितनी बार कहा जाता है, अब जैसे हम दिवाली का ले लेते हैं तो दीपावली, तो दैट इज लाइक एक उसको अमावस की रात भी कहते हैं. उस टाइम पे स्पेसिफिकली जब सिद्ध पुरुष जो होते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होती हैं वो रात को ही पूजा करते हैं. वो क्यों करते हैं? बिकॉज उस टाइम पे उनको जो है एनर्जीज का फ्लो ज़्यादा मिलता है. वो जब एनर्जीज का फ्लो ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली उनको उनकी इंटेंशन के साथ वो काम जल्दी होगा और उनको रिजल्ट जल्दी आएंगे. जैसे कहते हैं ना कि हाँ भी अगर हमें पूजा भी करनी है तो हम अमावास वाले दिन करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगी रादर देन नॉर्मल डेज. Why? Because the thing is already वहाँ पे एनर्जी जो है वो
अच्छे मूड पे है, एंड इसका एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो इफेक्ट है वो हमारे मून के साथ भी है। अच्छा, वो कैसे? तो क्योंकि मून जो है वो पूरी पावर के साथ होता है, पूर्णिमा होती है जब, तो आप देखिए पूरा फुल मून होता है तो वो पूरी पावर के साथ होता है, तो इसलिए इस दिन भी अगर हम कोई मंत्र करते हैं तो वो हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, बिकॉज द थिंग इज वो पूरी पावर में है, मून अपनी पूरी पावर में है। और अमावस्या के दिन? अमावस्या वाले दिन भी, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है मून तो है एनर्जी, उसकी स्कैटर्ड एनर्जी है, उसकी स्कैटर्ड एनर्जी है, तो इस वजह से कहा जाता है कि जो अमावस्या वाले दिन जो लोग पूजा करते हैं, जो सिद्धि पाने के लिए पूजा करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज पे भी काम करते हैं। सो बेसिकली पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा कर रहे हैं तो बेसिकली देव की पूजा हो रही है, अमावस्या के दिन जब पूजा हो रही है तो मे बी थोड़ा नेगेटिव साइड्स के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए हो रही है। तो अच्छा, कोई भी जैसे एक इंसान है जो तपस्या कर ही रहा है, लेकिन जैसे एनीबॉडी एबीसी, वो उसको तपस्या करने में टाइम भी उतना ही जाना है, उसका एफर्ट्स भी लगने हैं, तो वो नेगेटिव की ज्यादातर, क्योंकि सुना गया है कि लोग नेगेटिव की करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव की कर करके, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों तरफ से हमको अच्छा, जैसे हमने कोई मटेरियलिस्टिक गेन है मेरा, उसके लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव भी दे देगा नेगेटिव के बजाय। बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड हमें तो वैसे सबसे पहली बात तो जो लोग नेगेटिव की, नेगेटिव एनर्जीज की पूजा करके नेगेटिव चीज़ों से अपने टारगेट को पूरा करते हैं, वो कोई, वो भी उनका एंड रिजल्ट भी जो है नेगेटिव ही रहता है। आप एक चीज़ को समझिए कि पॉजिटिवली अगर आप जा रहे हैं उसमें टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे रहा है। नेगेटिव एनर्जीज का जो पूजा कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जीज को अगर आप के पास जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे टाइम पीरियड के लिए टेम्प्रेरी रिजल्ट दे सकेगी, और श्योर देगी, 100% देगी, लेकिन वो टेम्प्रेरी रिजल्ट ही देगी। तो आई एम श्योर आप जैसे बता रही हैं तो जो लोग कर रहे होंगे उनको भी ये चीज़ पता होगी, तो फिर भी वो क्यों उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं या पूजा करते ही हैं? क्योंकि लालच है ना उनको, वो जल्दी 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 रिजल्ट चाहिए। तो क्या नेगेटिव जल्दी रिजल्ट दे देता है? नेगेटिव ऑफ कोर्स सी बात है कि नेगेटिव इट इज एक्चुअली, जैसे हम बात करें तो ये हम जो बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, दैट इज एक्चुअली तंत्र, ओनली तंत्रों की ही बात कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा, पॉजिटिव तंत्रास भी होते हैं, नेगेटिव तंत्रास भी होते हैं। व्हाट आर दीस? देखिए तंत्रास एक्चुअली क्या होते हैं, इट इज अ, जैसे हम अगर हम नॉर्मली भी बात करते हैं, आपने कभी वर्ड सुने हैं ना गणतंत्र? जी बिल्कुल। स्वतंत्र? जी। तो ये भी तो तंत्र ही है, और हम तंत्र कब से यूज करते आ रहे हैं, हमने मतलब आज से नहीं, ये तो मतलब कब से, हमारी हिस्ट्रीज भी उठा के देखेंगे तो आपको तंत्र ही मिलेगा। इट इज अ प्रोसेस, एक स्पेसिफाइड प्रोसेस है तंत्रों को यूज करने का, अगर उसमें जरा सी भी गलती होती है तो वो आपको गलत रिजल्ट भी देती है। तो ये होते हैं तंत्र, एक स्पेसिफाइड प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, वो तंत्र होता है। लेकिन अब इस तंत्र के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे मैंने आपसे बात करी वाइट तंत्र की, तो वाइट तंत्र जो है वो क्या होता है, वो होता है कि जिसमें दूसरे इंसान का भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग अस द रिजल्ट, हमें 100% रिजल्ट दे रहा है। बट द थिंग इज कि वो उसका भी भला कर रहा है, मेरा भी भला कर रहा है, इसमें मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, मैं ना किसी का नुकसान चाह रही हूँ ना मेरा खुद का नुकसान हो, इट्स अ वेरी क्लीन वाइट प्रोसेस। अब अगर बात करें हम अलग तंत्रों की, तो उसमें हमारे जो मैजिक आ जाता है वो आ जाता है ब्राउन। मैं ब्राउन पे मूव करूँ पर पहले मैं वाइट के बारे में एक चीज जानना चाहूंगा कि हमने अपने भले के लिए तो कुछ करा, पर दूसरे का भला क्या हम मतलब यहाँ पे मांग रहे हैं कि दो लोग हैं ही हैं, मतलब हम गिवन है ये कि दो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी? देखिए इस तंत्र में दो पार्टीज को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही जिसको चाहिए वही इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो दूसरे का भी पॉजिटिव ही चाहेगा। अच्छा, यू मीन कि जो भी इंसान अगर ये तंत्र के उसमें जा रहा है, इस रास्ते पे जा रहा है, वो अपना भला भी चाहता है, कहता है कि मेरा भी भला और सबका भला। एग्जैक्टली वो ये चाहेगा कि हाँ भी दो, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपको, आप कोई डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे हो किसी और से चाह रहे हो, जैसे हम ऐसे ही ले लेते हैं कि कोई टेंडर है, आपने टेंडर भरना है, अब आप चाहते हो कि मेरा आगे जिसके सामने मेरा जिससे काम होना है वो काम मेरा इस इंसान से हो जाए, तो आप ये चाहोगे या कुछ इस तरीके की चीज़ प्रोडक्ट यूज करोगे जिससे आपका तो फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है,
तो ये जो है दिस इज कॉल्ड व्हेन दिस हैपेंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाइट मैजिक. नेक्स्ट आता है ब्राउन मैजिक विच सेज कि मेरा भला हो रहा है लेकिन उस बंदे का नेगेटिव ना हो जाए. पॉजिटिव नहीं चाहते हम लेकिन नेगेटिव भी ना हो, न्यूट्रल रहे. मतलब मैं कह रहा हूँ मेरा भला हो, मेरा तो सब कुछ ठीक ठीक रहे, पर किसी और का भला ना हो जाए. मतलब उसका न्यूट्रल रहे, मतलब उसमें हम पॉजिटिव नहीं चाहते. क्यों ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हाँ भाई मेरे लिए वो मेरा काम कर जाए, बाकी मुझे और कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं लाइफ. थोड़ा सा अजीब लग सकता है पर मेरा काम बनता तो भाड़ में और बड़े बड़े लाइक दैट भाड़ में जाए जनता, राइट. तो ये ऑफकोर्स ही बात है कि उसमें वो कहते हैं कि हाँ भाई इसका पॉजिटिव नहीं हो रहा है, न्यूट्रल रहे, बस मेरा काम ये कर दे, ये मेरे लिए फायदेमंद रहे, उसके लिए वो न्यूट्रल रहे, ना उसमें हमें पॉजिटिव ना उसके लिए नेगेटिव, हम ऐसे कोई भी सोच नहीं रखते. तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं ब्राउन मैजिक. देन आता है ब्लैक मैजिक जिसमें मेरा काम तभी हो सकता है जब मैं सेकंड पर्सन के को कुछ उसको कुछ करवा दूं, कुछ मतलब लाइक यू नो उसके लिए गलत थॉट रखूं. तो वो जो है ब्लैक मैजिक. इट गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट बट आई वुड प्रेफर कि ये होना ही नहीं चाहिए सबसे बड़ी बात. बिकॉज द थिंग इज ब्लैक मैजिक आपको रिजल्ट तो जरूर दे देते हैं पर किसी का बुरा करके ना, तो एंड रिजल्ट्स तो आपके पास भी क्या आएंगे, बुरा ही आएगा ना. वो अच्छा तो आपका भी नहीं हो सकता. आज आप सोचो कि हाँ भी 3 महीने के लिए आपको कोई एक टारगेट कंप्लीट करना है, आपने ब्लैक मैजिक किया है, आप उसका किसी और का बुरा चाह देते हो, उसके साथ तो बुरा हो गया, आपकी इंटेंशंस भी तो बुरी हो गई, आप प्योर कैसे रह सकते हो, आप तो प्योर रह ही नहीं सकते. तो ये फर्स्ट प्लेस पे क्योंकि मुझे एक जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि अगर आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, अगर आपके अंदर खुद के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो चीज़ें एनीवेज मटेरियलाइज भी नहीं होती. तो जब आप ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों के अंदर पढ़ते हो, उस तरीके के प्रोसेसेस के अंदर जाते हो, तब उस केस के अंदर क्योंकि आपकी इंटेंशन ऑलरेडी यू नो मैलिफिक हो चुकी है, खराब हो चुकी है, पॉजिटिविटी है ही नहीं, नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड, उस केस के अंदर कैसे ये प्रोसेस काम कर देता है एग्जैक्टली? दैट्स व्हाट, हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, हमारा ऑरा क्लीन नहीं है, हमारी यू नो हमारे माइंड से हम बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, इसी वजह से तो हम ब्लैक मैजिक तक पहुंच रहे हैं. अगर यही सब चीज़ें मैं पॉजिटिव चीज़ों में अपनी इंटेंशन को, अपनी प्योरिटी को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने माइंड को किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाऊंगी, वो जल्दी इफेक्ट ना दे, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए जब इफेक्ट देगी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इफेक्ट देगी. बट यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म का गेन चाहिए और हमें वो टू द प्रिसाइज चाहिए, दूसरे इंसान का बुरा करते हुए चाहिए, तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक का जो है सहारा लिया जाता है. अच्छा, तो अगर हम जैसे व्हाइट मैजिक की बात करें, ये पॉजिटिव मंत्रास हैं बेसिकली जो कि आप अपने अंदर चैंट कर रहे हो, या मे बी देयर इज सम प्रोसेस रिगार्डिंग दिस जहां पर आप हर चीज को हैप्पी गो लकी रहता है सब कुछ. नहीं, ये मंत्रास और तंत्रास बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. हाँ, मंत्रास कैन बी यूज्ड बाय एनीवन एंड मंत्रास आर यूज्ड ओनली फॉर देवतास. जैसे हम कहते हैं ना कि जो मंत्र के जो देवतास होते हैं वो मंत्र के अधीन होते हैं. अगर आप वो मंत्र को चैंट करेंगे तो डेफिनेटली जो है देवतास को आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट देना ही पड़ेगा. तो इसी तरीके से मंत्रास जो है बिल्कुल डिफरेंट है, तंत्र इज टोटली डिफरेंट. मंत्र शब्द है, मतलब कुल मिलाकर के अगर हम इसको मंत्र शब्द है, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक बीज मंत्रास जो यूज करने से रिजल्ट आते हैं. जैसे अगर मैं आपको मंत्रा में ही बताऊं, श्रीम ये लक्ष्मी माता का मंत्र है और ये बीज मंत्र है. अगर आप श्रीम 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 अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको आप मंत्र को जो है चैंट करते हो, और इसका ना एक प्रोसेस है, एक साउंड है विच हैज टू कम फ्रॉम यू विद इन, तो उसको प्रोसेस को फॉलो करने से इसको मंत्र कहा गया. जबकि स्विच वर्ड में ये है ही नहीं. अच्छा, यू आर ईटिंग समथिंग, यू कैन यूज दैट वर्ड. यू आर सिटिंग, यू आर डूइंग एनी वर्क, यू कैन यूज दैट वर्ड. उसमें आपको कोई प्रोसेस नहीं है जो आपको फॉलो करना है, कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं है जो आपको फॉलो करनी है. आप सुबह उठे हो, अच्छे मन से उठे हो, आप उस टाइम उसको यूज़ कर लो. आप पानी पी रहे हो तो आप उसको यूज़ कर लो. इट इज़ जस्ट टू कनेक्ट विद दैट यू नो
वो स्विच वर्ड के साथ उसको कनेक्ट रहना है. वाई? बिकॉज द थिंग इज यू वॉन्ट सम डिजायर्ड रिजल्ट. तो वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ भी जाता है. तो ये है मंत्रा और स्विच वर्ड, बहुत ही टोटली डिफरेंट है. मंत्रा वर्ड है बट एक स्पेसिफिक तरीके से उसको किया जाता है. स्विच वर्ड वर्ड है लेकिन इसको आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको ढाल सकते हो, अपने तरीके से इसको कर सकते हो. जबकि मंत्रास में आपको एक फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है. अच्छा, तो अब हम स्विच वर्ड्स को किस तरीके से डिवाइस करते हैं? जैसे किसी को फाइनेंस की के लिए अगर हम बोलें कि अगर मतलब यू नो स्विच वर्ड्स यूज करने हैं, या किसी को हेल्थ के लिए करने हैं, तो उनको क्या कैसे डिवाइस किया जाता है? देखिए, जैसे अगर मैं फाइनेंस के लिए बात करूं, तो अगर हम नंबर 6 बोलते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 इज वीनस का नंबर, विच गिव्स अस लग्जरी, विच गिव्स अस फाइनेंस. तो ये नंबर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा यूज होता है. इसी तरीके से जो स्विच वर्ड है, अगर हम स्विच वर्ड की बात करें, ये हो गया आपका स्विच कोड. कुछ स्विच कोड्स भी होते हैं. अगर मैं स्विच वर्ड की बात करूँ, तो अगर मैं जो है मनी या फिर मैं काउंट, इस तरीके के जो है स्विच वर्ड्स को यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लेके जा रहा है कि मैं काउंट का मतलब होता है व्हाट डू यू काउंट, यू काउंट मनी. तो वो मेरे को मनी के साथ कनेक्ट करा देता है सबकॉन्शियस माइंड. अब जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी की तरफ कनेक्ट हो गया और मेरी इंटेंशंस ये कहती है मेरी कि मुझे ये पैसा चाहिए, तो जब मैं वो काउंट वर्ड बार बार उसको यूज़ करूँगी या मन में भी उसको याद करती रहूँगी, तो आई विल गेट दैट फाइनेंस व्हाट यू वांट. यस, यू विल अट्रैक्ट. तो यू आर सेइंग कि काउंट इज द ओनली वर्ड टू अट्रैक्ट मनी, और देयर कैन बी अदर वर्ड्स? देयर कैन बी अदर वर्ड्स आल्सो, इट कैन बी यू नो पर्सनल एज वेल. अब कई लोग हैं जो मनी को किसी और चीज़ के साथ भी अपने, जैसे अब आपको ही मैं पूछती हूँ, अगर आपको मनी या फिर नोट्स की बात करें, पैसों की बात करें, तो आपको क्या चीज़ याद आती है? और बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें आपको याद आती हैं मनी के साथ? तो नंबर ही एसोसिएट करते हैं, नंबर एसोसिएट करते हैं. तो नंबर्स में भी कोई मनी के साथ में मैं एक ऑनेस्टली एक चीज़ और भी बोलूँगा, अगर पर्सनली तो यू नो आप लग्जरी, आप जो डिजायर्स हैं आपकी जो फुलफिल हो सकती हैं थ्रू दैट मनी, आप उनको भी याद कर सकते हो. तो ऐसे ही जो है आप पर्सनली भी अपनी कोई भी एक कोई ऐसा वर्ड जिससे आपको वो स्पेसिफिक टारगेट याद आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो. अब जैसे यहाँ पर अगर मुझे कोई कहेगा, तो मैं अपने काम को बढ़ाने के लिए या काम को स्पीड अप करने के लिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड को यूज करूंगी. वुल्फ मैजिक, बहुत इंटरेस्टिंग है. दैट इज वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ. इसका मतलब है कि अब जो वुल्फ है, वुल्फ को यहाँ पर हम अगर हम हिंदू में देखें, तो एक सबसे शातिर, माइंड का तेज और सबसे तेज दौड़ने वाला जो है जानवर मानते हैं, राइट? तो अब हमें क्या चाहिए कि मेरा माइंड तेज चले, मेरा माइंड तेज दौड़े, मुझे सही डिसाइसिव दे और मेरे काम को बूस्ट मिल जाए. तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो वुल्फ है, जो मेरा माइंड है, वो अच्छे से तेज दौड़ना शुरू कर दे, बिगिन मतलब कि चलना शुरू कर दे और इसका मैजिक दिखे. और मैजिक मींस कि मेरा एंड रिजल्ट मेरे डिजायर्ड रिजल्ट के साथ. बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर आपका माइंड ही नहीं चलेगा तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है तो करोगे क्या? वही नॉर्थ वाला साइड जो यहाँ पर लेकर आए. सो ये वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ इज योर स्विच वर्ड, और दिस कैन बी यूज बाई एनी बडी फॉर लाइक यू नो कि मेरे को माइंड अपना तेज शार्प करना है या तेज दौड़ाना है, तो उसके लिए मैं सेम यूज कर सकता हूँ. दिस वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ इज एक्चुअली अ जेनेरिक स्विच वर्ड विच एनी वन कैन यूज. ओह, सो कोई भी यूज कर, व्हिच मींस देयर आर स्पेसिफिक्स एज वेल, व्हिच कैन बी देयर आर स्पेसिफिक एज वेल. जैसे अगर मैं बात करूँ, मोस्टली लोगों की एनर्जी लो हो जाती है, या फिर दोज हु आर कॉफ़ी लवर्स, उनको कॉफ़ी बोलते ही एक बूस्ट आ जाता है. वाई? बिकॉज द थिंग इज उनको लगता है कि ये कॉफ़ी पी के मैं एनर्जी फील करता हूँ, बिकॉज दे आर कॉफ़ी लवर्स, तो उनमें एक बूस्ट आ जाता है. तो अगर कोई पर्सनली जिसको जो कॉफ़ी लवर है, अगर वो कॉफ़ी को मतलब कॉफ़ी ही बोलेगा, तो उसके अंदर एक यू नो बूस्ट मिलेगा और वो उसके काम में वो
ज्यादा अच्छे से डिजायर्ड वो दे पाएगा, अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएगा। तो मैं बार बार अगर अपने अंदर बूस्ट 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 बोल रहा हूँ, विच मीन्स यू नो मैं अपनी एनर्जी को बेसिकली बूस्ट कर रहा हूँ। अगर आप बूस्ट नहीं, अगर कॉफी बोल रहे हो, इफ यू आर अ कॉफी लवर। अच्छा, इफ आई एम अ कॉफी लवर, अगर मैं कॉफी कॉफी अगर चैंट कर रहा हूँ तो without even drinking a coffee, without even drinking a coffee you can I'm getting that boost, you are getting that boost of course. Otherwise, अगर अब देखिए एक और example लेते हैं, कोई इंसान है बहुत गुस्से में, बोली जा रहा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चली जा रहा है, उल्टा पुल्टा बोली जा रहा है, आप उसको जाके क्या कहेंगे? शांत हो जा भाई, means calm. Yes, calm, right? आप उसको कहते हो, उसको तो आपने कहा ही है ना, आपने तो सिर्फ उसको कहा है काम 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 काम, धीरे धीरे उसका क्या हुआ, वो धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ स्विच वर्ड, कि आपने सिर्फ वो वर्ड बोला है और वो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये गया है कि मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है, और वो सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी को रिजल्ट दे दिया है कि हाँ मुझे शांत होना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही तो आपको आपकी बॉडी को ये मैसेज मिला है ना, तो वो बॉडी आपकी शांत हो जाती है। तो ये स्विच वर्ड, यही इसी तरीके से सारे स्विच वर्ड अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ऑडियंस के लिए आप दो चीजों के बारे में तो प्लीज, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए फाइनेंस एंड हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ये दो एरियाज हैं आई फील दैट यू नो जहां पर हर इंसान किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ये फाइनेंस के लिए कोई जेनेरिक स्विच वर्ड और हेल्थ के लिए। और अच्छा, जैसे आपने मुझे एक चीज और भी बताई अभी कि कॉफी अगर हम अगर बार बार कॉफी चैंट कर रहे हैं तो हमें बूस्ट मिल रहा है, तो क्या इसका जो डिवाइस करने का तरीका है वो भी प्लीज जरूर बताइएगा, अगर जेनेरिक के बियॉन्ड भी, अगर किसी को अपने लिए अगर कोई स्विच वर्ड अगर डिवाइस करना है तो। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ पहले, सबसे पहले यही कि आपको इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको कहते हैं ना पैटर्न नहीं है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। आप इसको सुबह उठे हो, आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करें, 30 मिनट्स पहले आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद इस स्विच वर्ड को करेंगे। तो क्योंकि देखिए पॉजिटिव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे उस काम को पॉजिटिव कर देगा, तो इसलिए जो हम वर्ड बोल रहे हैं उसमें हमारी इंटेंशन और बेटर हो जाएंगी। अगर हमारे अंदर कहते हैं ना हमारे अंदर प्योरिटी है तो वो काम जल्दी होगा, तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव करें, उस स्विच वर्ड को याद मतलब यू नो बार बार आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये स्विच वर्ड किसी ओल्डर पर्सन को देना है तो आप इसको जो है एनर्जी सर्कल में बना के उनको उनके बेड के बिल्कुल सामने लगा भी सकते हैं, और उनको आप ये कह सकते हैं कि ये स्विच वर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है और ये काम करेगा। अच्छा, तो आपने बोला कि किसी के लिए काम की बात कर लेते, कोई बहुत एंग्री रहता है और उसके बेड के सामने अगर मैंने काम लिख दिया, और अच्छा कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक तो नहीं है ये? नहीं देखिए लैंग्वेज स्पेसिफिक है ये, इसमें नंबर्स होते हैं और ऑफ कोर्स ही बात है इंग्लिश में, आजकल तो स्विच वर्ड हिंदी में भी बनने लग गए हैं, हमारे जैसे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। जैसे मैं अभी वैदिक स्विच वर्ड के बारे में भी बात करती हूँ कि वैदिक स्विच वर्ड्स जो है, जैसे अगर मुझे घर बनाना है तो उसके लिए मैं जो है एक कुटुंब इस वर्ड को यूज़ करूँगी तो वो मेरा घर बन जाएगा, अगर मुझे घर बनाना है अपना। ओके, व्हिच मींस समबडी डजंट हैव अ हाउस, सो वो कुटुंब 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 हर वक्त चैट करता रहे तो या लिख दे अपनी दीवार के सामने, और उनको बस रेगुलरली देखना है, उस स्विच वर्ड को रेगुलरली आपको देखना है। अगर जो जैसे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं नहीं रीड कर सकते, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनको रीड करना नहीं आता, तो आप उनके लिए स्विच वर्ड बना के एक स्पेसिफिक स्विच वर्ड उनको बता दीजिए कि मैं आपके लिए ये यहाँ लगा रहा हूँ, आप इसको देखेंगे ये काम क्या कर रहा है, उनको ये इसका बताना पड़ेगा कि आप इसको देखेंगे तो आपके लिए ये इस तरीके से पॉजिटिव काम करेगा कि आपका घर जल्दी बन जाए, ये आपको उनको बताना पड़ेगा क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना कि अब मैं जब भी इसको देखूंगा तो मेरा घर जल्दी बन सकता है, तो बस ये एक प्रोसेस उनको बताना पड़ता है और वो अगर इसको देखेंगे भी तब भी वो बन जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट और चीजें उसे करता हूँ। कुटुंब लिख दिया मैंने या मे बी हाउस लिख दिया, व्हाटएवर, लाइक यू नो कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज, आपको जो भी स्विच वर्ड जिस भी भाषा में लिखना है आपने लिख दिया, दीवार पे पेस्ट कर दिया, क्या मैं यहाँ पर इसको आकृति भी बना सकता हूँ? मे बी यू नो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर मैंने अपना एक हाउस बना नाइस हाउस बना दिया और उसको सर्कल कर दिया तो भी क्या वो ऐसे ही काम करेगा? वो सर्कल सर्कल नहीं होता, दैट इज एन एनर्जी सर्कल। वो एक एनर्जी सर्कल होता है और उस एनर्जी सर्कल में वो बनाने से क्या है कि हमने उसको टारगेट कर दिया। आप देखिए हम किसी भी चीज को जब हम लिखते हैं
ठीक है, और हम उसको सर्कल कर देते हैं। इट मींस हमारा फोकस क्या है, हम चाहते हैं कि यूनिवर्स का फोकस, हमारा फोकस तो है ही है, यूनिवर्स का भी फोकस उसके ऊपर जाए। Oh, and that is why the circle. Exactly. ऐसे ही एक हमारी जो है, मैंने एक मैनिफेस्टेशन की एक वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे मैंने मिल जाएगी, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है पावर ऑफ फाइव का, जिसमें हम वो वास्तु से मैंने जोड़ा है कि आप अगर अपनी फाइव विशेस बना के उसको सर्कल कर देते हैं और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा देते हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी होने शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से ये स्विचवर्ड में भी यही सेम काम करता है कि अगर आपने उस एनर्जी सर्कल के अंदर, अगर आपने मानो कि आपको लिखना नहीं आता है, आप सिर्फ उसको ड्रॉ भी कर देंगे तब भी वो आपके लिए रिजल्ट करेगा, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सुपर कनेक्शन के साथ जुड़ा, तो वो आपके यूनिवर्स तक पहुंचना ही पहुंचना है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको हेल्प करनी ही करनी है। इसमें कोई टाइम पीरियड भी होता है? देखिए, इसमें टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है, जितनी जल्दी आप अपनी इंटेंशंस को प्योर करके उस इंटेंशंस को बढ़ा सकते हैं उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आ जाता है। तो 15 to 20 days डेफिनेटली अगर आप रेगुलर करते हैं, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, तो 15 to 20 days के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। ओह अमेजिंग, सो यू आर सेइंग कि किसी ने अगर वहां पर अगर कुटुंब लिख के कर दिया तो 15-20 days के अंदर, हाँ, क्या वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया कुटुंब और मैंने उसको सर्कल कर दिया और अब मेरी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, मैं ये कहूंगी कि 15 to 20 days के अंदर आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपका माइंड काम करना चलेगा कि आपको अपने घर को बनाने के लिए किस रास्ते पे चलना है, कौन सा वे आउट लेना है, या फिर अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू हो जाएगी। सो इसको मैं रिजल्ट मानती हूँ, एंड रिजल्ट की आपका 15 days में घर खड़ा हो गया वो नहीं मैं मानती। अंडरस्टूड। किसी पर्टिकुलर वॉल पे लगाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेड, अपने बेड पे, जैसे जहाँ पे आप, जैसे अगर कोई घर की लेडीज हैं वो किचन में ज्यादा रहती है तो वो अपने फ्रिज के पास लगा ले, जहाँ ये ज्यादा विजिबल हो। अच्छा। या फिर कई लोग जो है बेड के सामने लगाना पसंद करते हैं, कई लोग जो है जैसे सुबह उठे तो उनको लगता है कि हाँ भी सामने, जैसे ही हमारा सबसे पहले आँख खुले तो हमारे सामने दिखे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है और वो बहुत ही प्योर होती है, तो अगर आपके सामने दिखती है तो वो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो भी स्विचवर्ड है उसको आप रिसाइट करके, उसको एक बार चैंट करके, उसको आप अपने अलार्म पे सेट कर लीजिए। अच्छा, तो अगर रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल पे और, हाँ, उसका अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हैं, इंटेंशनली ये बोल रहे हैं, जब सबसे पहला आपका अलार्म बजेगा और वो वर्ड आपको सुनाई देगा तो आपके लिए तो वो और बूस्टिंग का ही काम करेगा ना। कॉफी, कॉफी। ओके, नाइस। तो स्विचवर्ड्स ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मुझे ये बताइए कि अगर मैं हेल्थ की आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हेल्थ से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या स्विचवर्ड है? हेल्थ के लिए, पर्टिकुलर हेल्थ के लिए, देखिए अगर मेरे को वैदिक स्विचवर्ड्स में बोला जाए तो मैं हेल्थ के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो मैं समझूंगी वो समझूंगी धन्वंतरी। अच्छा। क्योंकि धन्वंतरी जो है वो देवता है, जो आयुर्वेद के देवता है, और ये उस समय निकले थे जब मंथन हो रहा था, उस समय वो अपने हाथ में एक आयुर्वेद का जो है घड़ा लेकर निकले थे। तो अगर धन्वंतरी वर्ड को एज ए वैदिक स्विच वर्ड हम यूज करेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करेगा। अच्छा, तो ये चैंट भी कर सकते हैं, अगेन एज यूजुअल लगा भी सकते हैं ये अपनी, जैसे लोग अपनी पानी की बोतल, एक स्पेसिफिक पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं, और आजकल तो हर इंसान अपनी बोतल को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो वो अपनी बोतल के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसको यूज करें, उसको रेगुलर चैंट करें, तो डेफिनेटली उसके लिए रिजल्ट करेगा। और कोई नहीं, अगर बॉटल पे नहीं लगाना चाहता, अपने पर्स में डाल के रख ले तब भी वो उसके लिए काम करेगा। पर्स में भी अगेन आप पेपर पे लिख कर, हाँ, बस उसको कनेक्टिविटी रहनी चाहिए आपकी सोल और आपकी बॉडी के साथ। कई लोग हैं जो अपने हाथ पे लिख लेते हैं, अब कई लोग हैं अपने लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि ये काम कम करता है, जैसे मोस्टली लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंड जो है बहुत कम लोग लेफ्टी होते हैं, तो वो अपनी बॉडी पे लिख सकते हैं या अपनी इमेज बना सकते हैं, कोई एक इमेज जो जो भी उनको सही लगता है वो बना के वो लगा सकते हैं, तो उस वो चीज़ उनके लिए डेफिनेटली काम करती है। So, right hand पे क्यों नहीं आपने बोला वैसे, generally am I asking? वो इसलिए क्योंकि राइट हैंड जो है आपका सबसे ज्यादा काम में आ रहा है, तो तो
मोस्टली जो है ज़्यादातर लेफ्ट में की जाती है, बिकॉज द थिंग इज उसकी एनर्जीज वही की वही है. लेफ्ट हैंड इज एक्चुअली प्योर. राइट हैंड से आप देखिए सभी काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क इज बीन डन. इनफैक्ट आप वॉशरूम जा रहे हैं देन ऑल्सो इट इज बीन यूज. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड पे लिखिए सो दैट इट कैन बी इजिली यू नो रिटन एंड एज वेल एज विल बी विजिबल. मैं इसी से थोड़ा सा अगेन आई एम डाइग्रेसिंग आई एम सॉरी बट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. तो ये हम जनरली जब भी जेमस्टोन्स पहनते हैं, आई हैव सीन पीपल वेयरिंग जेमस्टोन्स इन द राइट हैंड ओनली, नॉट इन द लेफ्ट हैंड. नहीं, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में नहीं पहनते, राइट हैंड में भी पहने जाते हैं, लेफ्ट हैंड में भी पहने जाते हैं. उसका उसका जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे इस घर एक्चुअली जेमस्टोन्स पहनते क्यों हैं. जेमस्टोन्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें कहा जाता है कि हमारी फिंगर्स के अंदर या फिर हमारे पाम्स के अंदर भी हमारे देवताज का एनर्जी होती है. Okay. उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम जो है ये पहनते हैं. अब अगर आप मुझसे पूछो मिडल फिंगर की, मिडल फिंगर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके वीनस के साथ. अगर आप इसके अंदर शनि का जो लोहे का छल्ला होता है वो डाल देते हो, जिनकी शनि की दशा चल रही होती है, जिनका शनि अच्छा नहीं होता, तो उनको कम से कम इसके वीनस के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं. तो अब ये तो लेफ्ट में पहना गया. अच्छा, लेफ्ट में आप कह रहे हो कि आपने छल्ला डाला है वो लोहे का. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राइट में ही डलेगा या लेफ्ट में नहीं डलेगा. डाल आप अपने हिसाब से चल सकते हो, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हो वो आप लेफ्ट हैंड पेस्ट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. और सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ही नहीं होता है, सम देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्विच वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन एनी काइंड ऑफ बॉडी, आपके बॉडी पार्ट पे. अब मैं डिवाइन लिखूंगी तो डेफिनेटली मैं, अगर डिवाइन वर्ड है मैं डिवाइन लिखना चाहूंगी तो मैं अपने लेफ्ट हैंड पे ही लिखना चाहूंगी. परमानेंटली भी इसको करा सकते हैं, जैसे टैटू कहते हैं, मतलब अगर आपने कई लोग करवाते हैं आजकल टैटूज के भी अगर देखें तो बहुत अलग अलग मीनिंग्स हैं. लोग कुछ भी लिखवा लेते हैं या काइंड ऑफ कुछ भी यू नो बनवा लेते हैं. जैसे अगर मैं एक आधा आपको एग्जांपल ही देना चाहूँ तो बटरफ्लाइज जो होती हैं इसका मतलब होता है दैट यू वांट फेम. अच्छा, तो उस टैटू का मतलब होता है कि दैट यू वांट फेम, यू वांट टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए आप बटरफ्लाई बनवा रहे हो. और वैसे भी ये मतलब किसी ने अननोइंगली बनवा लिया बट और अगर तो क्या उसको फेम आगे चल करके मिल सकती है. हाँ, मतलब कि नहीं, ये जो टैटू है वो एक्चुअली डायरेक्ट आपको जो है आपके आपकी पर्सनालिटी के बारे में दिखाता है. ओके, कि आपको आप इस तरीके के इंसान हो सकती है, आप इस तरीके के इंसान हो, जिस तरीके का टैटू है उसी तरीके के आप. ऑफ कोर्स ही बात है, जिस तरीके के हम होते हैं हमें वही चीजें पसंद आएंगी ना. Right. तो हम अगर टैटू बनवा रहे हैं बटरफ्लाई का बनवा रहे हैं, इट मींस दैट यू वांट फेम, यू वांट बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. आई हैव दिस ओम का टैटू हियर, मतलब मैं ओम जैसा हूं. डेफिनेटली यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन ऑफ कोर्स, बट यस, अगर मैं इस टैटू में भी देखूं तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच रियली सेज अ लॉट. ये टैटू आपको ओम लग रहा है, मुझे शंख लग रहा है. ओह वाओ जी, कैमरा को भी एक बार फोकस करने के लिए बोल देते हैं. ओके, सो ये शंख लग रहा है जी. ओके, तो इसका क्या मतलब है? तो शंख एक्चुअली इज अगेन, अगर मैं आपके बारे में बोलूं तो शंख जो है जिस तरीके से आपने ओम बनवाया है और शंख मुझे जो ये दिख रहा है इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आपके ऊपर डेफिनेटली वीनस शुक्र की काफी अच्छी जो है ना इस प्लैनेट का आपके ऊपर काफी अच्छा प्रभाव है. या फिर आप लग्जरीज बहुत पसंद करते हैं, आपको लग्जरीज का बहुत शौक है तो वो तो कह रहे हैं. तो ये सब चीजें बट आई एम श्योर वो सबको होता है. नहीं, सबको नहीं होता. अगर देयर आर मेनी पीपल दोज हु यू वुड हैव सीन, लोगों के पास ढेर पैसा होता है फिर भी स्टिल दे आर वेरी सिंपल. लग्जरीज का मतलब होता है लग्जरी गाड़ीज का शौक है, लग्जरी वॉच का शौक है, इन सब चीज़ों का अगर आपको शौक है तो डेफिनेटली वीनस का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है. तो शंख से मुझे वही दिखने को मतलब मिल रहा है. अच्छा, क्योंकि एंड यू आर अ गिवर, यू एक्चुअली आर अ गिवर, यू ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल एंड यू ऑलवेज ट्राई टू यू नो जो भी मतलब कहते हैं ना कि हाँ भी अगर मेरे पास आज भगवान करे बहुत सारे हो और वो है भी आई नो, बट अगर मैं छोटी सी बात करूँ कि अगर मेरे पास 500 है ना तो मैं उसमें से ट्राई करूँगा कि मैं 300-350 दे दूँ अगर किसी को ज़रूरत है तो. I am like that. मतलब ये बहुत टचिंग है, ट्रस्ट मी. एंड देन मैं आपको
विद फोल्डेड हैंड्स ऑफ कोर्स थैंक यू भी बोलूंगा, और ये मतलब मैं तारीफ भी करूंगा क्योंकि आपने ये चीज पहचानी मेरी, क्योंकि मतलब आपको मैंने कभी ये चीज नहीं बताई। वाओ ये बहुत टची है। ओके अच्छा, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एनर्जी सर्कल्स की भी, जी। क्या जो भी, क्योंकि हमने अपनी बॉडी में या कहीं पे भी लिखवाते हैं या करते हैं, वहां पर भी एनर्जी सर्कल को हमें बनवाना है? देखिए एनर्जी सर्कल्स, मैं फिर बताती हूँ एनर्जी सर्कल्स होता क्या है। एनर्जी सर्कल्स आपके उसी डिज़ायर, जैसे हमने कोई मंत्रा पढ़ा या हमने जो भी स्विच वर्ड लिखा, अब वो एनर्जी सर्कल के अंदर हमने कर दिया। एनर्जी सर्कल का देखिए एक एक राउंड एक सर्कल है, उसका क्या मतलब है कि फ्रॉम वेयर इट इज़ बिगनिंग इट इज़ एंडिंग ओवर देयर ओनली। ये सर्कल बाहर नहीं जा रहा है, ये इसकी एनर्जी इधर ही फ्लोट कर रही है। आई एम फोकसिंग ओनली इन दिस एनर्जी, तो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली एनर्जी सर्कल डू। आप कोई भी चीज़ को, हम कहते हैं ना जैसे हम बोल के अपनी चीज़ों को सिद्ध कर देते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो हम उसको एक प्रमाण दे देते हैं कि येस वी वॉन्ट इट। अब जब हमने उसको लिख दिया और फिर उसके बाद हमने उसको सर्कल में ड्रॉ कर दिया, दैट इज़ अ सर्कल ऑफ यूनिवर्स, कि अब ये यही घूमेगा, ये एनर्जी मेरे इस अंडर ही रहेगी और ये मेरे लिए काम करती जाएगी। सो दैट इज़ अ एनर्जी सर्कल। अब आप जब कहते हैं कि इसको बॉडी पे लगवाएं या क्या, ये मोस्टली जो यूज़ होती है ये बिजनेस में यूज़ होती है एज ए लोगो। मोस्टली अगर आप लोगों के लोगो देखेंगे, जैसे बिजनेस के लोगोज देखेंगे, देर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु स्पेसिफाइड यू नो देयर वर्क इन टू दिस एनर्जी, कि हाँ मुझे मेरा काम जो है मेरे इसी पैटर्न में घूमता जाए और मुझे ये डिज़ायर्ड रिजल्ट देता जाए। इसके अलावा एनर्जी सर्कल्स अलग अलग तरीके से होते हैं, सिर्फ एक सर्कल में नहीं होता, देर आर अमोइबा एनर्जीज ऑल्सो विच सेज कि ये घूम रही है, नई एनर्जी ला रही है, फिर क्रिएट हो रही है, फिर जा रही है, फिर क्रिएट हो रही है, फिर जा रही है, फिर क्रिएट हो रही है, नई एनर्जीज इसके साथ एड ऑन होती जा रही है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक किया जाता है कि किस चीज़ के लिए कौन सा रिजल्ट देना है, कौन सा स्विच वर्ड देना है और कौन सा एनर्जी सर्कल के साथ इसको लगाना है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक, ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है देन। मतलब ये तो मैं अगर बोलूँ कि आप नॉर्मल सर्कल की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप अमीबा के शेप के अंदर अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन यू सेड कि वो नई एनर्जी को लेकर आएगा एंड देन इट विल मूव ऑन, सो ये किसके साथ जाएगा? Then I am sure अगर आपने अमीबा की शेप बताई, I am sure there are other shapes as well. Yes, बिल्कुल, जैसे हार्ट की शेप है तो ये मोस्टली ज्यादातर रिलेशनशिप्स को सही करने के लिए या व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए हार्ट की शेप यूज होती है। देन देयर आर कलर्स एज वेल, कलर्स भी हैं जो कलर्स आप यूज करते हो स्विच वर्ड्स के साथ उन एनर्जी सर्कल्स के अंदर, विच गिव्स यू मोर अट्रैक्टिव रिजल्ट्स। जो मतलब हर चीज़ आप देखें ना, हम कोई भी एक यू नो पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ से वो काम पूरा ना हो, ना हो। वी आर यू नो यूजिंग अ प्रॉपर स्विच वर्ड, वी आर गिविंग इट अ प्रॉपर एनर्जी सर्कल सो दैट कि वो उतने एनर्जी सर्कल में उस तरीके से प्रॉपर फोकस वर्क हो जाए। फिर उसके अंदर कलर स्कीम्स भी रहती हैं, सो ये सब चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूँ तो धनवंतरि मैंने लिखना है, वैदिक स्विच वर्ड है, इसके किस रंग से लिखना है, कैसा सर्कल बनाना है? देखिए अगर मैं धनवंतरि की बात करूं तो ये अगर आप ब्लू कलर के पेन से लिखते हैं और इसके अंदर आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ डिवाइन देवता। ओके, तो हमने जो नाम लिखा है वो डिवाइन देवता का लिखा है और आप इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू कलर का स्वास्तिक बना दें। ये उन लोगों के लिए है जो वैदिक स्विच वर्ड्स को फॉलो करते हैं, और क्योंकि वी आर हिंदूज एंड हम मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अपनी हिंदू यू नो इसके साथ जोड़ते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो ज़्यादा इजी काम करते हैं रादर देन हमारे लिए। वाई बिकॉज इन थिंग हमारे सारा का सारा जितना भी चीज़ें रही हैं हम हमारी कोडिंग उस तरीके की है, तो अगर हम वो ब्लू कलर का स्वास्तिक उसके साथ लगा देते हैं और स्पेसिफिक करने के लिए इसको अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी लगा देते हैं तो भी वो आपकी हेल्थ को बेटर करने का काम करेगा। वाओ वाओ, ओके। एंड फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए आप जो है जो यूज कर सकते हो वो है टुडे डिवाइन काउंट नाउ, तो इस तरीके से आप रेगुलर अगर इसको टुडे डिवाइन काउंट नाउ अगर आप इसको रेगुलर यू नो चैंट करते हो तो आप डेफिनेटली योर फाइनेंसेस विल गेट बेटर।
एंड इसके साथ साथ आपका माइंड खुलने शुरू हो जाएगा, डिवाइन पावर्स आपको जो है हेल्प करेंगे और आपका कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लिखना किस कलर से है, किस दीवार पे लगाना है, इसको आप सर्कल में डाल सकते हो, पिंक कलर के उस सर्कल को पिंक कलर का करके ब्लैक कलर के पेन से आप अगर लिखेंगे तो इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। एंड सेम थिंग आप अपनी बॉडी पे भी लिखेंगे, बिल्कुल सेम कलर से। हाँ जी, आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने धनवंतरी लिखने के लिए ब्लू यूज किया है तो वहां पर भी हम ब्लू यूज करेंगे एंड इस केस के अंदर पिंक एंड ब्लैक यूज है। अमेजिंग, नाइस, इट वॉज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा एंड आई एम श्योर दे वुड यूज दीज स्विच वर्ड्स, मेरे लिए बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली, दे एक्चुअली स्विच वर्ड्स आपको बहुत जल्दी आपके छोटे टेम्प्रेरी जो काम होते हैं ना उनको करने में बहुत ईजी रिजल्ट देते हैं एंड इसमें कोई यू नो कोई मेथड नहीं है, कोई स्पेसिफिक वे नहीं है जिसमें आपको बैठना पड़े, आपको नहा के करना है, आपको मतलब खाना नहीं खाना पहले, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन जस्ट व्हेन यू आर वर्किंग ऑल्सो यू आर डूइंग एनी थिंग यू कैन चैंट दीज वर्ड्स, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।